हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के V11 Pro के बारे में। हाँ दोस्तों, V11 Pro इतना आगे निकल चुका है वीवो भाई। आप लोगों को पता है अभी ओप्पो आया, अपना F9 Pro लेके निकल गया और अभी लॉन्च हो चुका है। तो अब भाई जैसे आप लोगों को पता है वीवो ओप्पो तो भाई बहन के भाई भाई हैं। जब भी कोई अपना फ़ोन लॉन्च करता है उसके पीछे हम भी आ जाते हैं, हम भी फ़ोन लॉन्च करेंगे। तो भाई वीवो V11 आपको पता होगा वीवो ने टीज कर चुका है कि 6 सितंबर को उनका लॉन्च है और इवेंट है। तो ये इस इवेंट के पहले ही इसकी अनबॉक्सिंग भी लीक हो के आ गई, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन लीक हो के आ गई। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए आप दोस्तों बात कर लेते हैं। आप लोगों जैसे मैंने बताया 6 सितंबर को ये फोन जो है ये लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। और मेरे हिसाब से इतना भी टाइम नहीं है, बस थोड़े कुछ दिन बचे हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। तो यार अच्छी बात है। एंड अब बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में। हाँ दोस्तों, जो डिस्प्ले होने वाला है इसमें आप लोग को मिलने वाला है 6.4 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो 4 AMOLED डिस्प्ले होने वाला है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। आप लोग को ओप्पो में मिलता है 6.3, इसमें मिल जाता है थोड़ा सा उससे बड़ा। और मैं डिज़ाइन के बारे में बात करता हूँ गाइस, तो खुद आप फोटो देख सकते हो। जो उसका नॉच है वो बहुत ही, मुझे ओप्पो और दोनों की बहुत ही प्यारी लगी है, दोनों में अच्छा है। और हाँ, और एक आप खुद देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को इन बिल्ड क्या बोलते हैं आप लोगों को, जो स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से कुछ इसकी प्राइस जो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, इस प्राइस के अंदर आप इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे हो तो आई थिंक इज़ रियली वेरी गुड। और वीवो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले और ये बहुत ही अच्छी मुझे लगा है। एंड इसमें आप लोगों को वेरियंट देखते हो 6 GB रैम और 64 GB वाला वेरियंट देखेगा। आप इसमें ट्रिपल कार्ड लगा सकते हो, मतलब जो आप दो कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेंडेबल 256 GB आप कर सकते हो, तो मेरे सबसे बहुत अच्छी बात है। फेस अनलॉक बोला जा रहा है कंपनी ने क्लेम के, बहुत ही बढ़िया है। बात करता हूँ मैं कैमरा की, तो भाई 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आप लोगों को देखने मिल जाता है। तो भाई बैक के कैमरा बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो भाई 25 मेगापिक्सल का AI मोड के साथ आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जो बहुत ही मस्त फोटो ले लेगा। बात करता हूँ मैं बैटरी की, तो भाई 3400 mAh की आप लोगों को बैटरी देखने मिलने वाली है। और भाई मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल के आएगा इवेंट में देखने का। जैसे आपको पता है ओप्पो F9 में आप लोगों को मिल जाता है वोक चार्जिंग, जैसे आप लोगों को हर जगह यही आजकल चल रहा है ट्रेंड। तो यार अब वीवो क्या लगा लेगा, क्योंकि अब हमेशा जो टक्कर रहती है कि हम इसमें मेगापिक्सल इतना दे देंगे, हम वो कर देंगे, इतनी बड़ी डिस्प्ले, हम इतना नॉच ऐसे दे देंगे। बट ओप्पो ने आपको वॉक चार्जिंग दे दी, मगर अब वीवो क्या करेगा। मगर इसमें लिखा हुआ है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, बट फास्ट चार्जिंग इज नॉट इनफ, क्योंकि ओप्पो ने हमें बोला गया है, क्लेम किया है कि 2 मिनट में आप लोग 5 घंटे का टॉक टाइम कर सकते हो। तो इसलिए हम देखेंगे कि यार इसमें क्या होता है। तो यार इसमें वो बहुत बड़ी बात देखी जाएगी इवेंट के अंदर, सब कोई वेट कर रहे हैं। तो भाई फ्रंट कैमरा भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है। बात करता हूँ आप लोगों को इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो कोलकॉम का स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है, कंपेयर टू ओप्पो का अच्छा है मेरे से इसमें, क्योंकि आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर दिया गया है। और बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस बोला जा रहा है बहुत ही महंगा दे दिया यार, 25 से 30 हज़ार रुपये का ये प्राइस तक जा सकता है वीवो का V11 Pro, जो आई थिंक स्नैपड्रैगन का आप जो दे रहे हो स्नैपड्रैगन का 660 बहुत ही इनफ नहीं है यार। बिकॉज यार आप 128 वाला वेरियंट दे सकते थे इसमें आप लोग, चलो अच्छी बात है 3.5 mm जैक मिल जाएगा, माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगी, माइक्रो USB पोर्ट दे रहे हैं। तो यार मेरे हिसाब से कुछ बातें हैं, तो यार वीवो ही रहेगा। आई थिंक इसका जो प्राइस होगा 15 से 20 हज़ार तक होता है, तो आई थिंक ये वैल्यू प्रोवाइड बहुत करेगा और ये फ़ोन आप लोगों को ले लेना चाहिए। बट इसमें जो लिखा रहा है वो 25 से 30 हज़ार हो रहा है, तो भाई 25 से 30 हज़ार मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। स्नैपड्रैगन का 660 उसमें नहीं बनता, कम से कम स्नैपड्रैगन का 835 845 दे सकते हो उस प्राइस में। एंड डुअल कैमरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको पता है वीवो के जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस यही मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ, क्योंकि यार इसका अनबॉक्सिंग सब लीड होकर आ चुकी है, जो कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन है। अब हमें बस देखना है कि इसकी जो प्राइस क्या करेगा वीवो, ये सब जो स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग बताइए, मैं 100% आपको शॉप बोल सकता हूँ कन्फर्म्ड है, बिकॉज मैंने खुद अनबॉक्सिंग वीडियो देखा। मैं अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोग दिखा नहीं सकता बिकॉज कॉपीराइट क्लेम की वजह से। तो जरूर से वीडियो आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जो भी दोस्त आपको वीवो को जो हमेशा सेल्फी लेना पसंद करते हैं तो भाई उनके साथ जरूर शेयर करें, भाई देख लो आपकी कैसी सेल्फी क्या सेल्फी है। तो बस दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी शेयर करो, बोलो उनको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्दी हमारे 1600 होने वाले। तो बस दोस्तों मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।